ज़िंदगी में एक चीज़ होती है जो हर किसी को फेस करनी पड़ती है, जिसे कहते हैं कॉपीराइट क्लेम। ठीक है, तो आज उसी कॉपीराइट क्लेम का इलाज लेके मैं आप लोगों के पास आई हूँ। आज हम लोगों ने उसी कॉपीराइट को हटाना है और उसका क्या तरीका है, वो किस तरह हटता है और उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, कहाँ जाके उसे हटाते हैं, ये सब आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों ने ये तरीका देखना है तो आप लोगों ने इस वीडियो को भी एंड तक देखना पड़ेगा, और इसको देखने के बाद आप लोगों ने लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं फिर। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने अपना गूगल खोलना है और उसके बाद एक चीज़ वहाँ पे सर्च करनी है, studio.youtube.com login। ये हम लोगों ने सर्च करना है। आप लोगों के पास ऊपर ही पहला जो ऑप्शन आ रहा होगा वो होगा साइन इन का। आप लोगों ने उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप लोग साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के यूट्यूब स्टूडियो में एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, वो आपका चैनल डैशबोर्ड होगा। ये मैं आप लोगों को फ़ोन से बता रही हूँ क्योंकि अक्सर होता है बहुत सारे लोगों के पास लैपटॉप्स नहीं होते, इसलिए मैं आप लोगों को फ़ोन पे बता रही हूँ। ये जब हमारे पास ये वेबसाइट खुल जाएगी उसके बाद मैंने देखे यहाँ पर एक साइड में ऑप्शन होगा कॉन्टेंट का। ठीक है, मैंने आप लोगों को जूम करके इधर दिखाया है। जब आप लोग कॉन्टेंट पर क्लिक करेंगे तो वहीं पर एक ऑप्शन होगा साइड में फ़िल्टर का। फ़िल्टर के अंदर जो है वो आप लोगों ने कॉपीराइट आ रहा है, देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, आप लोगों ने इस कॉपीराइट को सेलेक्ट करना है। जब आप इस कॉपीराइट को सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों के पास वो सारी वीडियोस खुल जाएंगी जिस वीडियोस पे आपके पास कॉपीराइट आ रहा होगा। देखिए मेरे पास भी वो वीडियोस खुल गई जिनके ऊपर कॉपीराइट आ रहा था। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास बराबर में डेट लिखी हुई आ रही है कि आप लोगों ने ये वीडियो कब अपलोड की थी, इस पर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये पब्लिक वीडियो है, जो भी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन थी वो साइड में आ रही है। अच्छा, अब हम मेरी इस वीडियो पर जिस पे कॉपीराइट आया हुआ है, मैंने क्या करना है, मैंने उस वीडियो को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जब हम लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया तो हमारे पास इस वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी, जैसे कि मैंने इस पे क्या डिस्क्रिप्शन लगाया है, क्या इसका टाइटल है, क्या इसका थंबनेल क्या लगा हुआ है, और इसके ऊपर कौन सा साउंड सेलेक्ट हुआ हुआ है। जो भी सामने जो डिटेल्स आप लोगों को नज़र आती हैं वही डिटेल्स इधर भी दिखें, सब शो हो गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, देखिए साइड में रिस्ट्रिक्शंस आ रहा है जिसमें आ रहा है आपका कॉपीराइट लिखा हुआ, तो यहाँ पर सी डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा होगा, देखिए ब्लू कलर का लिखा हुआ है, आप लोगों ने इसे क्लिक कर देना है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो मज़ीद अब उस कॉपीराइट की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके पास खुल जाएगी कि आपका जो कॉपीराइट है वो क्यों आ रहा है और किस वजह से आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है, ये आप लोगों के पास आ रहा है। इसके अलावा देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है चैनल नॉट अफेक्टेड। देखें अगर किसी का चैनल मोनेटाइज्ड है और उसका कॉपीराइट आता है तो उसकी वीडियो का नुकसान ये होगा कि जो भी अर्निंग, जो भी क्रेडिट आप लोगों को मिलेगा उस वीडियो पर, तो वो जो क्रेडिट होगा वो आप लोगों को नहीं मिलेगा, वो उस साउंड के ओनर को मिलेगा जिसकी वजह से आपका कॉपीराइट आया हुआ है, जिस साउंड पे आपका कॉपीराइट आया हुआ है। लेकिन अगर आप लोगों का चैनल मोनेटाइज नहीं है, अगर आप लोगों का चैनल मोनेटाइज नहीं है, अब जैसे मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है तो इसके ऊपर मेरे पास देखिए लिखा हुआ आ रहा है नॉट अफेक्टेड, मतलब कि उस कॉपीराइट का मेरी वीडियो पर कोई इफेक्ट नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मैं अपनी वीडियो आराम से चला सकती हूँ। अब देखिए आप लोगों के पास आपकी वीडियो में वाइट हाईलाइट हुआ हुआ है कुछ ना, तो इसका मतलब है कि आपकी वीडियो के इस हिस्से में कॉपीराइट आया हुआ है। यहाँ पे हमें नीचे ऑडियो का नाम भी दिया हुआ है कि जो हम ऑडियो मैंने यूज़ किया उसका नाम क्या है। तो अब बारी आती है कि हमने इस कॉपीराइट को हटाना किस तरह से है। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती चलूँ कि यूट्यूब स्टूडियो जो है वो अपडेट हुआ है और उसके अंदर कुछ अपडेट्स इस तरह की आई हैं कि अब हम लोग यूट्यूब स्टूडियो से डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं, और एक अपडेट और है जिसके अंदर कॉपीराइट की अपडेट भी शामिल है, यानी कि हम जो है वो अपना कॉपीराइट अब यूट्यूब स्टूडियो से भी हटा सकते हैं। तो वो हम लोगों ने किस तरह हटाना है, अब सबसे पहले खोल लेना है यूट्यूब स्टूडियो और उसके बाद वो वीडियो हम लोगों ने ओपन करनी है जिस पर हमारा कॉपीराइट आया हुआ है। ठीक है, यहाँ हमारी देखिए वीडियो ओपन हो गई, अब हमारे पास नीचे रिस्ट्रिक्शंस में कॉपीराइट लिखा हुआ आ रहा है, हम लोगों ने इस कॉपीराइट पे क्लिक करना है। जब हमने इस कॉपीराइट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास रिव्यू इश्यूज लिखे हुए आए, हम लोगों ने इस पे क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद हमारे पास कॉपीराइट की सारी इन्फॉर्मेशन खुल गई। देखिए इसी तरह यहाँ पे एक जगह हाईलाइट हुई हुई है कि इस जगह पे हमारा कॉपीराइट आया है, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है ओवरव्यू में कि इस वीडियो से आपके चैनल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको ठीक करना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे हमारे पास मज़ीद डिटेल्स खुल गई
तो ये ऑडियो की भी मज़ीद डिटेल्स आ गई। देखें यहाँ पे कौन सा ऑडियो है, ऑडियो का नाम क्या है, जिसका ये कंटेंट है उस ओनर का नाम क्या है और क्या इम्पैक्ट है, वो भी आ गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आ रहा है एक्शंस दैट यू टेक। तो यहाँ पे तीन एक्शंस हैं, म्यूट सेगमेंट, ट्रिम आउट सेगमेंट और डिस्प्यूट। डिस्प्यूट हमारे काम का नहीं है कुछ, वो सिर्फ कॉपीराइट के ख़िलाफ़ रिपोर्ट करना होता है। तो अब ऑब्वियसली हम लोगों ने साउंड यूज़ किया है तो हम उसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट नहीं कर सकते। सबसे पहला ऑप्शन है म्यूट सेगमेंट। म्यूट सेगमेंट में हम लोगों ने अब इसको ओपन कर लिया। अब देखिए म्यूट सेगमेंट का जब हम लोगों ने क्लिक किया तो यहाँ हमारे पास और मज़ीद एक इंफॉर्मेशन आई है कि मेरा जो कॉपीराइट है वो 49 सेकंड से शुरू हो रहा है और 2 मिनट 49 सेकंड पे ख़त्म हो रहा है। अब जो नीचे यहाँ पे कंटिन्यू लिखा हुआ आ रहा है, अगर हम लोगों ने किया तो जो जगह मेरी वीडियो में हाईलाइट हुई हुई है, जहाँ पर मेरा कॉपीराइट हुआ हुआ है, वो पूरा सेगमेंट म्यूट हो जाएगा। फ़र्क नहीं पड़ता आप लोगों ने इसके ऊपर कोई और ऑडियो डाला हुआ हो या फिर आप लोगों की अपनी आवाज़ हो, बस ये वीडियो इतनी पूरी म्यूट हो जाएगी। अब जो म्यूट है वो इस तरह काम करता है। अच्छा जी, ट्रिम आउट सेगमेंट किस तरह काम करता है कि हम लोगों ने इसको सिलेक्ट करना है। देखिए वही चीज़ आ रही है सारी, लेकिन अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे इसको तो हमारी वीडियो का जो कॉपीराइट हिस्सा है वो हमारी वीडियो से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। जैसे अगर आप लोगों की वीडियो में बहुत थोड़ी सी जगह पर कॉपीराइट आया है और वो चीज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसे कट आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे मेरी पूरी वीडियो पर आ रहा है इसलिए मैं इसको म्यूट कर सकती हूँ, मैंने इसको म्यूट कर दिया। अब जो साउंड मैंने यहाँ पे यूज़ किया था, अब उसमें थोड़ी मेरी आवाज़ आई है, जो भी साउंड था वो पूरा म्यूट हो गया। ठीक है, ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेता है, अगर आपका नेट बहुत फास्ट चल रहा है तो वो 5 मिनट लेगा, वरना 10 से 15 मिनट तो लगेंगे, लेकिन आप लोगों का कॉपीराइट हट जाएगा। अब एक सवाल, मैंने अपनी पूरी वीडियो को म्यूट कर दिया, सही है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि बग़ैर आवाज़ वाली वीडियो में तो मज़ा ही नहीं आता। तो इसी वीडियो को मज़ेदार बनाने के लिए हम इसके अंदर एक और साउंड ऐड करेंगे, लेकिन वो भी अब ऐड नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो लेकिन आपको पता नहीं है ऐसा हो सकता है। ठीक है, और वो किस तरह हो सकता है, वीडियो अपलोड करने के बाद उसमें गाना किस तरह लगता है, कौन सा साउंड, अगर आप लोगों को कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक चाहिए उसमें वो किस तरह लगेगा, अगर हम लोगों ने इस तरह से वीडियो को म्यूट करके एडिट किया है उसके साउंड को तो वो किस तरह होगा, या हम लोगों ने साउंड डाला ही नहीं और हम चाहते हैं, हमें याद आया कि वो अब तो साउंड डालना था, तो वो किस तरह डलेगा वीडियो अपलोड करने के बाद। तो ये अगर आप लोगों को जानना है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी कि हम लोग वीडियो अपलोड करने के बाद साउंड किस तरह एडिट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।